नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया ने बयान दिया कि आपको पार्टी में शामिल नहीं करेंगे, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि ये सवाल तो तब उठता जब मैं प्रार्थना पत्र लेकर माननीय कटारिया साहब के पास जाता कि मुझे पार्टी में लिया जाए। मैं उनके पास तो कभी प्रार्थना पत्र लेकर गया नहीं कि मेरी पार्टी में, आपकी पार्टी में मुझे ले लो साहब। और मुझे मेरे कार्यकर्ताओं पर पूरा विश्वास है, मेरे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, हम लोग चुनाव जीतेंगे। दूसरी बात, जहां सब कटारिया साहब की बात है, इन्होंने मेवाड़ में कई लोगों की राजनीतिक हत्या कर चुके हैं, कई एग्जाम्पल्स हैं, और मेरे पीछे भी ये पड़े थे, मैं बच गया, तो ये चाहते जाते जाते इसको भी खत्म करके ही जाऊं। लेकिन इनका मंसूबा पूरा नहीं होगा, इन्होंने पूरा प्रयास किया। देखिए किस तरह से दादागिरी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष सैनी साहब उदयपुर आए तो उनके कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी के शीशे फोड़ दिए, उनको पार्टी कार्यालय में नहीं घुसने दिया, और फिर भी इन्होंने अपने उन कार्यकर्ताओं का बचाव कर लिया और प्रदेश कार्यालय कोई उन पर कार्रवाई नहीं कर पाया। अभी दीप्ति अपने खड़ी हुई थी राजसमंद से, उसको हराने के लिए इन्होंने पूरा प्रयास किया। तो ये दुश्मनी ठेठ तक निकालते, उनकी किरण जी से दुश्मनी थी तो वो दुश्मनी अब दीप्ति तक ले गए, तो उनकी तो आदत है ऐसे करने की। लेकिन मुझे अपने कार्यकर्ताओं पर पूरा विश्वास है, हम चुनाव लड़ेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे, और कहते हैं कि हम तीसरे नंबर पे आएंगे। इनको इतना ही विश्वास है अपने ऊपर, तो मेरे सामने आकर खुद ही चुनाव लड़ ले, फैसला हो जाएगा कौन पहले नंबर पे होता है, कौन तीसरे नंबर पर। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है।